पहली खबर जुड़ी है लोगन पॉल का, जिस तरीके से लोगन पॉल ने कहा है कि मैं बनता दिखाई दूंगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन WWE के अंदर, और उन्होंने स्मैकडाउन के शो के अंदर जे उसो पे भी जाके अटैक कर दिया था। एक बहुत बड़ी बात की है लोगन पॉल ने WWE सुपरस्टार्स को लेकर, उन्होंने कहा है कि WWE के अंदर प्रोमो कट करना बहुत बड़ी बात होती है, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाता। WWE सुपरस्टार्स इस बात को काफी अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं प्रोमो कट करने के लिए। ये बात मैं जानता हूँ कि WWE के अंदर प्रोमो कट करने एक बहुत बड़ी बात तो होती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव की है, लेकिन प्रोमो कट करना WWE के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात होती है मेरे लिए। आने वाले टाइम पर मेरा मैच होने वाला है रोमन रेंस के साथ, वो क्राउन जुल के अंदर, वो भी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। अगली खबर जुड़ी हुई है ब्लड लाइन के मेंबर यानी कि सोलो सिकोआ को लेकर, उनसे जब पूछा जाता है कि आपका क्या रिएक्शन है सैमी ज़ेन के ऊपर, तो वो कहते हैं कि जब ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को पसंद है सैमी ज़ेन ब्लड लाइन के अंदर, तो मुझे ही पसंद है वो ब्लड लाइन के अंदर सैमी ज़ेन। जिस दिन रोमन रेंस को पसंद नहीं रहेगा सैमी ज़ेन ब्लड लाइन के अंदर, उस दिन मुझे ही पसंद नहीं होगा वो ब्लड लाइन के अंदर, ये कुछ कहना है सोलो सिकोआ का सैमी ज़ेन को लेकर। पूछा जाता है कि आपका क्या रिएक्शन होने वाला है रोमन रेंस और लोगन पॉल का मैच, वो भी अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन क्राउन जूल के लिए। सोलो सिकोआ कहते हैं कि लोगन पॉल काफ़ी कम दिनों का मेहमान है WWE के अंदर, लेकिन हमारा ट्राइबल चीफ रोमन रेंस काफ़ी लंबे टाइम से चैंपियन है WWE के अंदर, बड़े बड़े रेसलर नहीं हरा पाए रोमन रेंस को, तो ये कुछ दिनों का मेहमान क्या हरा पाएगा रोमन रेंस को, वो भी क्राउन जूल के लिए, वो भी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो ये कुछ कहना था रोमन रेंस और सैमी ज़ेन को लेकर सोलो सिकोआ का। फाइनल स्टोरी जुड़ी हुई है वो भी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर, अगले हफ्ते रिटर्न होने वाला है स्मैकडाउन के शो के अंदर, लेकिन का मैसेज आया था स्मैकडाउन के शो के ऊपर पूरी ब्लड लाइन के लिए कि कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा लोगन पॉल को जब वो अपना प्रोमो कट कर रहा होगा। ये बात सैमी ज़ेन ने पूरी ब्लड लाइन को भी कही थी, खास करके जे उसो को भी कही थी, जे उसो ने जाके अटैक किया था लोगन पॉल के ऊपर। इस बात से कहीं ना कहीं रोमन रेंस गुस्सा हुए होंगे जे उसो की ये हरकतें देखकर। जब अगले हफ्ते रोमन रेंस स्मैकडाउन के शो के ऊपर आएंगे, कुछ बातें होती दिखाई देगी जे उसो और रोमन रेंस के बीच में, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। रोमन रेंस और जे उसो के बीच जब बातें चल रही होगी स्मैकडाउन के शो के अंदर, आने वाला स्मैकडाउन काफी ज्यादा मजा आएगा ब्लड लाइन को भी लेकर साथ में। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।